आज हम लोग रिलेशन के डाउट को क्लियर करेंगे। रिलेशन में जो आपका होमवर्क मिला था एक्सरसाइज 2A का, उसमें दो क्वेश्चन आया है डाउट का, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 10। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशन में जो हम लोग आगे पढ़े थे थ्योरम। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है लेट a = इतना b = कर चुके थे थ्योरम नंबर 1। एक सेट है b, एक सेट दिया हुआ। आज हम लोग थ्योरम नंबर 2 एक क्रॉस b निकालना है, मतलब कि a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो थ्योरम नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि a ये सबसेट ऑफ b, मतलब कि a का जो है b का सबसेट बनेगा, a जो है b का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ कि a का एवरी एलिमेंट b में बिलोंग करता है। किसी का ऑर्डर पेयर का है प्रूव दैट आपको क्या करना है कि a क्रॉस b जो है a क्रॉस a का मतलब क्या होता है कि a और a का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। पहले हम ये सेट निकालेंगे, सेट में जितना एलिमेंट होगा उसको दोनों सेम सेट में क्या निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ये होगा सबसेट होगा किसका, तो a क्रॉस b का मतलब कि एक सबसेट होगा b होगा, 16 सबसेट हो जाएगा। इंटरसेक्शन फार्मूला होता है b क्रॉस a और b क्रॉस a, पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b करने के लिए क्या करेंगे, या और मान लीजिए इस पूरे को अगर हम एक सेट मान लेते हैं तो ये पूरा सेट जो होगा ठीक है ना, ये क्या दिया हुआ है 2, पूरा सेट में क्या होगा कि a क्रॉस a का जितना एलिमेंट होगा सब एलिमेंट इसमें क्या होगा, होगा ये हम बता दें। क्रॉस a क्रॉस b अगर करना है तो पहले a के एलिमेंट को लिखेंगे, उसके बाद a के एलिमेंट को सबके साथ फिर b के एलिमेंट क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने a का जो पहला एलिमेंट होगा उसको और हम b के सब एलिमेंट के साथ, फिर तो गिवन का a का जो पहला दूसरा एलिमेंट होगा उसको b के a जो है b का क्या है सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट को उठा, मतलब कि अगर कोई एलिमेंट a में है हम लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट b में है, पहले से लिखेंगे लेकिन b में होगा तो लिखेंगे, फिर b में अगर है तो a में होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि a जो है b का सबसे पहला प्रोडक्ट होता है। क्या करेंगे 3, 4 a जो है, और आपको बताया था कि ये ऑर्डर चेंज नहीं यहां पर हो सकता है कि b का कुछ एलिमेंट a में हो भी सकता है नहीं हो सकता ठीक है ना, 3, 4 मान लीजिए कि यहां पर इस तरह से होता है कि a ये प्रॉपर सबसे तो भी क्या होता है कि a का एलिमेंट b में है लेकिन b का एलिमेंट a में है तो इससे पता चल जाएगा और ये आपका छोटा हो जाएगा b का बड़ा सा कितना हो गया, लेकिन यहां पर लिखा है तो हो सकता है कि a का एलिमेंट b में हो भी सकता है, 4 एलिमेंट है और इसलिए इसमें a का सबसे एवरी एलिमेंट b में तो होगा ये निश्चित है ठीक है, लेकिन b का एवरी एलिमेंट a में होगा ये निश्चित सबसेट ठीक है। क्या हो जाएगा 2 पर पावर n, मतलब कि 2 पर पावर यहां पर क्या आ जाएगा 4, मतलब कि इसमें सबसेट कितना बनेगा शुरू करते हैं 16 बनेगा, कितना बनेगा 16 सबसेट बनेगा। तो सबसे पहले हम लिख कर लेते हैं कि a क्रॉस a का जो एलिमेंट है सर इसमें जो क्रॉस a के एलिमेंट को मान लेते हैं कुछ उसको लिख के बताएं, मान लीजिए a, a मान लेते हैं। अब a, a क्यों लिखें क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हम पहले क्या करते हैं, मान लीजिए 4 इसमें एलिमेंट दिया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट हम रख लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट लिख लीजिएगा अपने से ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं कि इस एलिमेंट को मान लेते हैं, मान लीजिए एक सेट a और एक सेट b है, दोनों का अगर हम क्या निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको पता है कि जो पहला एलिमेंट जो सेट है वो अपने आप का एक सबसेट होता है, एक ये लिखा है आपको तो पता है और एक फाइल लिखा है इस तरह से पहले के साइज होता है सबका होता है, मतलब हम लिखते हैं क्या a, b जो है, इसके अलावा हमको 14 लिखना होता है, हम मान लेते हैं कि a का एलिमेंट ठीक है, तो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट होता है क्या होता है पैरेंथेसिस में लिखा होता है ठीक है ना, और ऐसे जब हम लोग पढ़ते थे सेट a सेट b पढ़ते थे तो हमको जो है लिखना है क्या लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, इसका सबसेट लिखना है, सब सबसेट लिखना है। तो यहां पर a b c करेंगे, यहां पर पैरेंथेसिस नहीं लिखते, यहां पर हम पैरेंथेसिस देंगे हर एक एलिमेंट के, हालांकि लिखने के लिए नहीं आएगा जिससे, तो अब यहां पर क्या नंबर पूछा जाएगा, यहां पर लिख कर लेते हैं कि लिखने के लिए अब आएगा a क्रॉस a ज्यादा नंबर का नहीं है a, अब a, a ही हम क्यों लेंगे क्योंकि मान लीजिए एक एलिमेंट अगर a है तो एक एलिमेंट a का भी दोनों 4 या 5 है ठीक है, 4 या 6 एलिमेंट अगर मान लीजिए कुछ b मान के ही बनाएंगे तब भी आपको गलत, 4 या 8 या इस तरह का जो सबसेट मैंने कम सबसेट क्या करेंगे वो लेने लिया था, ज्यादा के एलिमेंट ले लेंगे इसका एक एलिमेंट मान लीजिए का जो करो क्या करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, फिर वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है इसलिए उतना ज्यादा नहीं है ठीक है ना, a, a ऐसे पूछे तो हम बता देते हैं ठीक है, तो b, b, cd हम मान लिए थे ना, चारों एलिमेंट इसको नाम दिए, a इसको नाम दिए, b इसका नाम दिए, c इसका नाम दिए, ऑफ हमको लिखना है, तो सबसे पहला जो सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आपको पता है का मतलब कि a और a का कार्टेशियन 5 हो जाएगा, देन दूसरा क्या हो जाएगा, हां याद रखिएगा 5 अगर आप बैग में लिखेंगे समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम लोग प्रूव किए थे कि ये एक निमोर्गन लॉर्ड प्रूव किए थे, तो इस तरह से लिख दीजिए और नहीं तो आप कहेंगे जैसे इंटरसेक्शन का रूल था यानी कि 5 को हम कर देंगे क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था 5 उसी तरह का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, तो ठीक उस तरह से तो एक सेट हो गया, एक सबसेट जो है वो सेट जो होता है अपने आप का ये है यहां पर हमारा क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, उसमें कार्टेशियन सबसेट हो गए थे ठीक है। तीसरा के लिए हम क्या करेंगे, a, a जो हो गया एक एलिमेंट हो गया किसका आर्बिट्रेरी, एक बार a को एक बार b को एक बार c को a का, तो क्या हो जाएगा यहां पर क्या होगा, तो लिख सकते हैं हम तो जाएगा a, a जो होगा हो जाएगा b, वो बिलोंग करेगा किससे, हो जाएगा c a क्रॉस अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं डी और ए को साथ में कर देते हैं, तो क्या बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू, हम क्या करेंगे एंड डी कॉमा ए हो गया, अब हम क्या करते हैं कि डी और बी को साथ यहाँ पर ए क्रॉस ए होगा, डी और बी को साथ में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी कॉमा ए नहीं यहाँ पर हम लिए हैं
क्या लिए हैं इसलिए कर दिया क्योंकि हमको पता है कि ए जो है वो बी का क्या है सबसेट है। ए जो है बी का सबसेट है, क्या होगा कि अगर कोई एलिमेंट ए में अगर है, अगर कोई अगर एलिमेंट हम तीन तीन सेट ए में तो बी तो होगा निश्चित रूप से, ठीक है। ए बी को अगर मान लिया कि ए जो है अगर ए का एलिमेंट है तो ए जो होगा बी का भी तो एलिमेंट होगा, तो इसलिए यहां पर लिख दिया ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। आगे होगा हम तीन तीन का सेट लेते हैं, तो ए भी हमको जो गिवन है यहां पर दिया हुआ ए जो सबसेट ऑफ बी उस पॉइंट से हमने इसको यहां पर रिप्लेस किया, ठीक है। बी सी डी ए जो है बिलोंग कर रहा है ए से, तो ए जो होगा बी से ही बिलोंग करेगा, क्यों? क्योंकि ए जो है बी का क्या करेंगे बी सी हो गया, एक एवरी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर हम बी लिख सकते हैं ए बी, ठीक। क्या लिख सकते हैं अब यहां पर हम क्या करते हैं, ए बी सी हो गया, ए बिलोंग्स टू ए, फिर बी सी डी हो गया कॉमा ए बिलोंग्स टू, हम क्या करते हैं सी डी ए करते हैं, क्या लिख सकते हैं सी डी, इसका ऑर्डर को अगर हम चेंज करेंगे जैसे ए बिलोंग्स टू बी क्या कर देंगे कॉमा ए बिलोंग्स टू ए, तो लिख सकते हैं जाएगा सी डी। वैसा क्यों लिख सकते हैं, तो ऐसा हम लिख सकते हैं जैसे आपको पता होगा एक दो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास सेट ए दिया हुआ है 1, 10, 11, 12, 13, हम इस तरह से लिख दे 1, 2 करके लिख दे, ठीक है। आपका क्या इसको हम लिख दे सबसेट, आप मान लीजिए आपको लिखना है तो आप लिख दीजिएगा यहां पे क्या होता है, ठीक है। पहला क्या हो गया पता है हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एक रोज क्या है तो यही आ जाएगा, तो क्या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑर्डर पेयर हम चेंज नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर पेयर हम निकाले ही नहीं, क्यों? क्योंकि ऑर्डर पेपर एक सेट का तो ऑर्डर पेयर निकलेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए एक रोज बी में हमको दिया हुआ है ए कॉमा बी, फिर क्या है और एक एलिमेंट मान लीजिए दिया हुआ है बी कॉमा फोर, तो हो जाएगा 2, 4। हम इसको ए कॉमा बी पहले लिखती है और बी कॉमा सी लिखती है बाद में, और एक रोज बी के एलिमेंट को हम इस तरह से लिख दें 2, 5 को पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या किए, क्या डी ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी है, इसको ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू बी लिख दिए, एंड यहाँ पर हम क्या कर लिए, तो ए और बी को साथ पहले लिख दिया, ए और बी क्या है ये ए है ये है आपका। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 2, 4, 2, 5 और इसको हम क्या कर देंगे लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में, फिर क्या है ए कॉमा बी हो गया, फिर बी कॉमा सी है, तो B, C, तो ये है B, ये है A, ये है अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A belongs to A है और A belongs to क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि A जो होगा belong करेगा किससे, तो A जो होगा A कॉमा A जो होगा क्या होगा A कॉमा A C कॉमा D का पहला एलिमेंट C कॉमा D, तो ठीक है A कॉमा A जो होगा वो किससे belong करेगा, तो belong करेगा A क्रॉस 3 कॉमा क्या हो जाएगा 5, यहां पर हम क्या कर दिए, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया, आपको पता होगा कि हम इस तरह से अरेंज कर दिए ऑर्डर पेयर में, ठीक है। इसका ले लिए, इसका ए ले लिया, करना है सिर्फ ए बी सी, इसका पहले ए का लिए हैं तो यहां पर पहले ए आएगा, फिर बाद में बी का लिए हैं तो बी यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इधर से यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि ये ज्यादा अगर माने कि 16 वाला भी नहीं है, क्या लिख सकते हैं सिर्फ, अब यहां पर क्या है कि ए जो यहां पर पहले किसका है बी का, हम क्या लिखेंगे ये सब लिखने के लिए आपको टू नहीं है बी, और क्रॉस लिखने के लिए आ भी गया तो हम इस तरह से में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको हम लोग देख लेते हैं कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर रहा है क्रॉस बी से, ए कॉमा ए जो है बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस ए से, तो यहाँ पर क्या आ रहा है एंड आ रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्रॉस बी, नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है ए क्रॉस बी और यहाँ पर एंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन ए कॉमा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा सच दैट बी इक्वल टू 3 है, दोनों में यहाँ पर क्या है वो इस तरह से है सेम एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कि ए कॉमा ए यहाँ भी है, ए कॉमा ए यहाँ भी है, तो ए कॉमा ए जो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी से, ए कॉमा ए जो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है बी क्रॉस एक्स कॉमा माइनस 5 और 2 कॉमा वाई जो है ए कॉमा ए दोनों जो होगा किससे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस बी बिलोंग्स टू कर रहा है इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए से, क्योंकि ये दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। इंटरसेक्शन हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको निकालना, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरह से हम यहाँ पर क्या देखें कि ए कॉमा ए जो हम लिए थे एलिमेंट ये किस सेट का था, तो था ए क्रॉस ए का है, यहाँ पर हम निकाल लिए क्या कि ए कॉमा ए जो हो गया ए कॉमा ए जो हो गया वो किससे बिलोंग कर रहा है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं रिलेशन दिया सो, और यहाँ पर ये एक्स कॉमा माइनस 5 ए कॉमा ए सो, यहाँ पर क्या हो जाएगा टू कॉमा वाई जो है वो ए क्रॉस ए बिलोंग्स टू ये सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा ए क्रॉस टू ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि ये दोनों जो है इसका क्या है एलिमेंट क्रॉस, ये दोनों जो है इसका क्या है एक बात और ध्यान दीजिए कि बुक में यहां पर क्या किया गया है, यहां के बाद बी कर दिया गया है, पता है कि पहला अगर मान लीजिए कि एलिमेंट दिया गया है जो कि गलत है, ठीक है ना। अगर हम यहां पर लेते हैं तो अगर मान लीजिए पहला जो होता है वो पहला होता है, यहां पर दोनों को हमें कॉमा जो होता है यहां पर अगर ए कॉमा बी मान लेते हैं तो वहां पर ए कॉमा बी लिखा होगा, ठीक है, कि वो सेट ए से होगा तो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, बाद वाला जो होगा वो क्या होगा बी, ध्यान दीजिएगा पहले जैसे एक बार इसको हम एक और कर दीजिए कैसे हम क्या लिखा हुआ है,
सबसे पहला काम हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया होता है कि ए जो है वो बी का क्या सबसेट है, ए जो है बी का सबसेट है, इसका मतलब हुआ कि एक एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए कोई एलिमेंट अगर ए का है तो एलिमेंट बी का भी होगा, और मान लीजिए लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू ए तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर ए कॉमा बी अगर हम x कॉमा 5 लिखते हैं तो ये दिया हुआ, इसका मिला जाएगा हम करेंगे। यहां पर हमने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, ए कॉमा ए हो गया। अब ए कॉमा ए यहां पर ए लिखा हुआ है, इसको पैरेंथेसिस में क्यों लिखे, क्योंकि यहां पर बी जो सेट ले रहे हैं वो क्या है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, वो सेट जो है क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसलिए यहां पर हमको ए कॉमा ए लेना पड़ेगा। ए लेने से काम यहां पर नहीं चलेगा, ठीक है। अगर सिर्फ सेट को अगर हम लेना माइनस 5 अगर सेट के होता तो हम लोग वही थे क्रिएट ए बी एन एल दिया हुआ क्वेश्चन, लेकिन यहां पर ए क्रॉस ए मतलब कि दो सेट का यहां पर क्या है एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, और ए ए क्या करते हैं, दोनों सेल जो यहाँ पर क्या है सेम है, तो इसका एलिमेंट ए, दूसरा का एलिमेंट x कॉमा माइनस, अलग आप ए कॉमा बी करके बनाएंगे तो ये भी इसका एलिमेंट है और ये भी इसका क्या है एलिमेंट, क्या किया कि ए कॉमा ए लिए तो ए कॉमा ए बी एन आर बी रिलेटेड एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब कि x आ गया, ये एलिमेंट है किसका, बी का ए क्रॉस क्या हो गया माइनस 5, क्या लिख सकते हैं, और कोई भी एलिमेंट होता है कोई सेट का तो बिलोंग करेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा x आ गया, बी कॉमा क्या आ गया माइनस 5 आ गया। अब हम निकाल लेंगे x और y, जैसे हम आपको बताए थे कि अगर ए कॉमा ए क्या कर देंगे, ये जो लिखा है बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, पहला एलिमेंट होता है ए का और दूसरा एलिमेंट होता है बी का, बी ए जो होगा ए का होगा और बी जो होगा बी का, बी का वैल्यू हमारे पास क्या है, तो बी का वैल्यू है माइनस कर दें कि ए बिलोंग्स टू ए 3, पहला एलिमेंट ए का वैल्यू क्या है हो गया माइनस क्या हो गया 2, एंड दूसरा एलिमेंट भी ए का माइनस का जाएगा एंड तो प्लस ए बिलोंग्स टू, ठीक है 3 में। अब यहां पर हम क्या लिखे, ए बिलोंग्स टू ए एंड हो गया यहां पर ए बिलोंग्स टू ए की जगह यहां पर हम क्या कर दिए, बी कर दिए, क्योंकि हमको पता है कि ए जो है क्या गया सबसेट है, तो एक एलिमेंट बी में आ रहा था, यहां पर हम उसी तरह से हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम क्या करेंगे, वाई क्रॉस कॉमा बी की जगह लिखेंगे बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू बी लिखेंगे, ठीक है। अब इसी को हम ऑर्डर में चेंज कर दिए, क्यों चेंज कर दिए, क्योंकि अभी हम बताएं कि अगर मान लीजिए कोई सेट का अगर हम लिख रहे हैं ए कॉमा बी, जैसे मान लीजिए यहां पर 1 कॉमा 2 लिखा हुआ है, तो सेट को अगर हम कुल करेंगे एलिमेंट को अगर हम आगे पीछे करेंगे तो यहां पर ये दोनों एलिमेंट गलत नहीं होगा, हम आगे पीछे कर देंगे, तो वही यहां पर हम क्या किए, ए बिलोंग्स टू ए हो गया कॉमा ए बिलोंग्स टू बी, और फिर ये वाला प्लट के लिख दिए, तो यहां पर ए जो रिलेशन है दिया उसको कॉमा ए बिलोंग्स टू बी हो गया 3a। अब यहां पर क्या हुआ, 3a कि a belongs to a है, तो b का वैल्यू यहां क्या लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब कि a a में भी है और a b में भी है, मतलब कि क्या हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, तो कॉमा a जो होगा a क्रॉस b का क्या होगा एलिमेंट होगा, और मान लीजिए यहां पर b होता तो हम क्या लिखते हैं, a कॉमा b, ठीक है, belongs to हो गया a क्रॉस b, उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, और x का वैल्यू क्या हो गया माइनस, एंड यहां पर जब इस तरह का रिलेशन दिया है, a belongs to a यहां पर जाएगा a कॉमा a, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट आप लोग कर लीजिए, क्या पहले b है तो यहां पर b आ जाएगा, उसके बाद a है तो उसके बाद a हो गया, तो a कॉमा a हो गया belongs to b क्रॉस a, तो इस तरह से हम यहां पर देखें कि a कॉमा a a क्रॉस b में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा ए बी क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि दोनों में क्या है कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन है मतलब क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन में आएगा, तो लिख सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन एंड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हम यहाँ पर शुरू किए थे कि ए कॉमा ए जो है किस सेट का एलिमेंट था, ए क्रॉस ए का, और यहाँ पर हम प्रूफ करके ले आए कि ए कॉमा ए जो हो गया ये एलिमेंट हो गया किसका, बिलोंग्स टू है मतलब कि एलिमेंट हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह ए क्रॉस ए जो है ये क्या हो गया सबसेट हो गया किसका, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का, यही आपको प्रूफ करना था, तो बहुत ही आसान था, इसको एक दो बार रिवाइज कर लेगा तो आपको ध्यान में हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद आएगा जो थ्योरम नंबर 5 होगा उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है आपका 5 नंबर दिया हुआ है, इसमें फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, मतलब कि तीन सेट आपके पास दिया हुआ है, एक सेट ए है, एक बी है और एक क्या है सी दिया हुआ है, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी, मतलब कि ए और बी यूनियन सी, इसको अगर हम एक सेट मान लेते हैं तो यहाँ पर दो का हमें निकाल लें क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लें, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए में पहले बी से हो जाएगा क्रॉस, तो ए क्रॉस बी हो गया, मतलब कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, फिर ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, और दोनों का क्या हो जाएगा यूनियन हो जाएगा, तो ये रूल को हमको क्या करना है प्रूफ करना है, तो ये मान लीजिए कि ये पूरा सेट अगर ये एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है, तो हमको दोनों को क्या प्रूफ करना है इक्वल प्रूफ करना है, तो हम इससे पहले वाले भी बहुत सारे क्लास में हम दो सेट को इक्वल कैसे प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम पहला सेट, जैसे अगर मान लीजिए कि हमको एक सेट ए है और एक सेट क्या है बी है, और हमको सेट ए को सेट बी के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे कि ए को एक बार हम दिखा देंगे कि ये बी का सबसेट है, और एक बार हम दिखा दें कि बी जो है वो किसका सबसेट है ए का, तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं कि वन रियल टू वन और टू से ये दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो यही होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक बार दिखा देंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी जो है वो सबसेट हो गया किसका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का, और एक बार हम दिखा देंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी जो है ये सबसेट हो गया किसका ए क्रॉस बी यूनियन सी का, तो ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, तो उस स्थिति में दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं, तो लिखते हैं प्रूफ में यहाँ पर, तो लिखते हैं कि लेट मान लीजिए कि इसको हम एक सेट मान रहे हैं, इसको एक सेट माना है, तो दो सेट हो गया, तो दोनों का एलिमेंट हम लेते हैं, ठीक है,
तो हम ले सकते हैं क्या कि लेट और दोनों का क्रॉस रहता है यहाँ पर, हम ऐसा लेंगे जो क्या हो ऑर्डर पेयर में हो, ठीक है। तो लेट ए कॉमा बी, हम मान लेते हैं कि ए कॉमा बी, बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन सी। एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई बच्चे जो हैं अगर मान लीजिए कि बीच में रिलेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ठीक है, या बीच में मान लीजिए कि सेट चैप्टर का ही जो वीडियो देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑर्डर से देखिएगा, मैंने जो आपका सेट का मान लीजिए कि सेट का ही प्ले लिस्ट बना हुआ है तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से देखिएगा तो आपका समझ में आएगा। बीच में देखिएगा तो कहीं से भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, रिलेशन हो या सेट हो या आगे जो भी पढ़ाएंगे उसको, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा रिलेशन बीच में आके देख रहा है तो उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर उस सेट उन्होंने नहीं पढ़ाया तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो उससे पहले सेट का वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग रिलेशन का वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो लेट ए कॉमा बी बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी देन, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो ए कॉमा बी जो हो जाएगा वो किससे बिलोंग करेगा, तो ए कॉमा बी जो होगा वो बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि पहला जो एलिमेंट होता है पहले सेट का होता है और बाद वाला जो एलिमेंट होता है वो बाद वाले का होता है। तो यहाँ पर इसको हम एक सेट माने थे, ठीक है, और इसको एक दूसरा सेट, ठीक है। तो ये ए जो होगा ए से बिलोंग करेगा और बी जो होगा बी यूनियन सी से बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए और क्या आ जाएगा एंड, क्या आ जाएगा एंड बी बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड है तो यहाँ पर एंड रहने दीजिए, ठीक है। अब बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी है, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा यूनियन वाला क्लास में कि जैसे अगर मान लीजिए हमको दिया हुआ था कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है तो इसका मतलब क्या होता था, तो इसका मतलब होता था कि एक्स बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू b, याद आ रहा होगा, ठीक है, सेट में हम लोग पढ़े थे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि b बिलोंग्स टू b यूनियन c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि b बिलोंग्स टू b और b बिलोंग्स टू c, लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर दिया, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इंटरसेक्शन होता तो हम क्या लिखते, तो लिखते b बिलोंग्स टू b एंड b बिलोंग्स टू c, लेकिन यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर क्या आएगा और आएगा, तो ये आपको याद होगा। अब यहाँ पर जो है अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू बी, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड चला जाएगा एक बार बी बिलोंग्स टू बी के साथ, और एक बार ए बिलोंग्स टू ए एंड चला जाएगा किसके साथ, बी बिलोंग्स टू सी के साथ, और बीच में क्या आ जाएगा और आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड को यहाँ पर हम सिम्बोलिक में लिख देते हैं एंड क्या आ जाएगा बी बिलोंग्स टू बी, और यहाँ पर आ जाएगा कहाँ, बीच में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए एक बार गया इसके साथ, एक बार जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ए बिलोंग्स टू ए एंड, ए बिलोंग्स टू ए एंड क्या हो जाएगा एंड, यही एंड को यहाँ पर हम लिखे हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए जो है ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है बी से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी जो होगा वो क्या होगा, तो ए कॉमा बी जो हो जाएगा वो किससे बिलोंग करेगा, तो ए क्रॉस बी से, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ये हो गया ए कॉमा बी जो हो गया, ए कॉमा बी जो हो गया ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्डर पेयर, किससे बिलोंग करेगा ए और बी के क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट से, किससे ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, और है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और, या और की जगह यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यूनियन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये यूनियन है, यूनिवर्सल सेट नहीं, क्या है, यूनियन है। अब यहाँ पर ए बिलोंग्स टू ए है, बी बिलोंग्स टू सी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करेगा ए और सी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस बी से है, ए कॉमा बी जो है ए क्रॉस सी से, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट आप नहीं भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, नेसेसरी नहीं है, हम यहाँ पर दे दिए हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या देखें, तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो है ए कॉमा बी को हम किसका एलिमेंट माने थे, तो माने थे ए क्रॉस बी यूनियन सी का,
और वही ए कॉमा बी को हम दिखा दिए यहाँ पर क्या कि ये ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी यूनियन सी जो हो गया, मतलब कि इस सेट का एलिमेंट जो है इस सेट में आ गया, मतलब कि यह जो हो गया सबसेट हो गया किसका, इस सेट का। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो ए क्रॉस बी यूनियन सी ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये सबसेट का सिंबल है, किसका सिंबल है, सबसेट का। तो ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इसको हम रिजल्ट वन मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगेन अभी हम चले थे क्या एलएचएस को लेकर चले थे, और इसको हम दिखा दिए कि यह जो है आरएचएस का क्या है, सबसेट है। अब हम आरएचएस को लेकर चलेंगे और उसको हम दिखाएंगे कि वो किसका सबसेट है एलएचएस का। तो अब यहाँ पर ए कॉमा बी मान लेते थे, यहाँ पर हम मान लेते हैं दूसरा, मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई। तो क्या लिख सकते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हो गया। देन क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम कि एक्स कॉमा वाई जो होगा बिलोंग्स टू क्या, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है, इतना जब लिख दिया उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसके बाद हो जाएगा कि एक्स जो होगा, ये दो सेट है, ये पहला सेट हो गया और ये दूसरा सेट हो गया, तो एक्स जो हो जाएगा ए क्रॉस बी से बिलोंग करेगा और वाई जो होगा किसे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एक सेकेंड रुकिए, एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड क्या हो जाएगा, वाई जो हो जाएगा किससे बिलोंग करेगा, ए क्रॉस सी से, एक सेकेंड। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे यहाँ पर कि एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट, हमें यहाँ पर मान लिए थे कि एक्स कॉमा वाई जो हो गया किसका एलिमेंट हो गया, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का। देन एक्स कॉमा वाई जो होगा वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी से, क्योंकि हम इसका एलिमेंट माने। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड वाई, सॉरी ये एक मिनट, ये नहीं होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक्स कॉमा वाई एक एलिमेंट है, क्या है, एक्स कॉमा वाई एक एलिमेंट है जो ए क्रॉस बी, मतलब कि ये एक सेट है और दूसरा सेट दोनों के यूनियन से बिलोंग कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हम लिखते थे कि एक, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। जैसे मान लीजिए हम बताए थे कि अगर मान लीजिए कि ए बिलोंग्स टू, हम लिखते हैं ए यूनियन बी, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी होगा। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि इसको अगर हम मान लीजिए कि एक एलिमेंट मानते हैं, ये एलिमेंट है जो सेट ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, और यहाँ पर यूनियन है तो क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और एक्स कॉमा वाई जो हो जाएगा किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स कॉमा वाई जो हो जाएगा बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी से। ठीक है, मतलब कि या तो ये ए क्रॉस बी में होगा या तो ये ए क्रॉस सी में होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, स्टेप याद रखिए कि पहले स्टेप में हम लोग कहाँ तक आए थे, तो पहला स्टेप आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b लिखे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो x, y जो है बिलोंग्स टू a क्रॉस b है, तो लिख सकते हैं कि x जो होगा a में बिलोंग करेगा एंड y जो होगा b में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, एंड y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पर क्या है, और है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, तो लिख सकते हैं यहाँ पर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, यहाँ पर क्या है, c। अब यहाँ से हम क्या देखें कि देखिए x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a यहाँ भी है, ठीक है, और एंड है, यहाँ पर एंड है, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड कॉमन हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या बच गया, y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पर क्या हो गया, y बिलोंग्स टू
सी, यहाँ से बात को समझिएगा। यहाँ पर हम क्या किए कि यहाँ पर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी हो गया और x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पर यूनियन है, तो यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम क्या किए कि x कॉमा वाई ए क्रॉस बी का क्या है, एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। तो x जो होगा a से बिलोंग करेगा और y जो होगा b से बिलोंग करेगा, तो वही बात हम यहाँ पर लिखे कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। और है तो यहाँ पर हम और दे दिए। अब यहाँ पर है क्या, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c, तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और सॉरी और नहीं एंड होगा क्योंकि यहाँ पर बिलोंग्स टू है, एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, c। तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया, c, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो पहला एलिमेंट ए का होता है, बाद वाला एलिमेंट बी का होता है, मतलब कि दूसरे सेट का। तो यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ से हम क्या देखें कि ये दोनों में x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a एंड दोनों में मिल रहा है, तो x बिलोंग्स टू a एंड क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, y बिलोंग्स टू b, यहाँ पर क्या बचा और यहाँ पर बच गया y बिलोंग्स टू c। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड अब यहाँ पर क्या है, y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू c। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि y बिलोंग्स टू b यूनियन c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि और है तो क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा। और y b से ही बिलोंग करा है, y c से ही बिलोंग करा है। अब इस तरह से हम क्या देखें कि x जो है a में है एंड y जो है b यूनियन c में है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो x कॉमा y जो हो जाएगा, x कॉमा y जो हो जाएगा वो a बिलोंग करेगा a क्रॉस b यूनियन c के, b यूनियन c से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम ये बात लिख दीजिए, ठीक है, फिर से बात को समझिएगा। यहाँ पर हम क्या लिखे, x जो है a से बिलोंग कर रहा है एंड y जो है b यूनियन c से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि a का पहला एलिमेंट लिए x और b यूनियन c का दूसरा एलिमेंट लिए y, तो x को y लिख दिए, मतलब कि इसका हम क्या कर दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यह जो होगा बिलोंग करेगा a और b यूनियन c के कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हो गया। अब इस तरह से आप देखेंगे कि x को y को हम लिए थे क्या, ये a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c का एलिमेंट है, और यहाँ पर हम इसको प्रूव कर दिए कि x को y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि a क्रॉस b, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c जो हो गया, सो a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, ये सबसेट हो गया किसका, तो ये सबसेट हो गया a क्रॉस b यूनियन c का। क्यों हो गया, क्योंकि इसका एवरी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। इसको मान लिए क्या, रिजल्ट टू मान लिए। तो रिजल्ट फर्स्ट और रिजल्ट टू से आप देखिए कि यहाँ पर हम प्रूफ किए थे कि a क्रॉस b यूनियन c जो है सबसेट है किसका, a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c का। यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए कि a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका, a क्रॉस b यूनियन c का, a क्रॉस b यूनियन c। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको साथ में लिख दीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू से क्या प्रूफ हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि a क्रॉस b यूनियन c जो हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो इक्वल हो जाएगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c के यूनियन से, ठीक है। इस तरह से हम प्रूफ करते हैं, तो बहुत ही आसान प्रूफ करना है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम ये कैसे लिखें हैं, ठीक है। अगर इससे पहले वाला लॉ आप समझ चुके हैं, पहले का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और देख चुके हैं, डी मॉर्गन्स लॉ और देख चुके हैं, तो ये आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको कीजिए नोट, इसके बाद आगे का थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है सिक्स नंबर, तो दिया हुआ है सिक्स नंबर थ्योरम, फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, मतलब तीन सेट आपके पास दिया हुआ है ए बी और सी, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के इक्वल होगा। इससे पहले वाला जो थ्योरम था उसमें यहाँ पर इंटरसेक्शन की जगह क्या था, यूनियन था, तो यहाँ भी यूनियन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया, तो यहाँ भी इंटरसेक्शन आ गया। तो एक बार हम क्या करेंगे कि इसको हम दिखा देंगे कि ये इसका सबसेट है, फिर इसको हम दिखा देंगे कि ये इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ में क्या, तो लेट हम मान लेते हैं कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन का कोई एलिमेंट है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इज एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, देन क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, इसका मतलब कि ए जो होगा ए बिलोंग्स टू ए होगा और बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब जैसे मान लीजिए हम आपको लिखवा देते कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, तो आप क्या लिखते थे, लिखते थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए
एंड एक्स बिलोंग्स टू बी लिखते थे, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर है बी बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी, और क्या हो जाएगा एंड बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए है, तो इसको हम एक बार बी बिलोंग्स टू बी के साथ लिखेंगे और एक बार इसको हम लिख देंगे बी बिलोंग्स टू सी के साथ, तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और एक बार लिख देंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एंड, और एक बार हो जाएगा ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी, क्या किए यहाँ पर हम, तो ए बिलोंग्स टू ए यहाँ पर था, तो एक बार बी बिलोंग्स टू के साथ लिख दिए बी बिलोंग्स टू बी के साथ, और एक बार ए बिलोंग्स टू ए एंड के साथ लिख दिए क्या बी बिलोंग्स टू सी, और बीच में यहाँ पर एंड था तो यहाँ पर आ गया एंड। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए बिलोंग्स टू ए है एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो इसका एलिमेंट ए लेंगे इसका एलिमेंट बी लेंगे, तो ए कॉमा बी जो हो जाएगा वो बिलोंग किससे करेगा, तो वो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से करेगा, तो ए क्रॉस क्या हो गया बी हो गया एंड है, तो यहाँ पर एंड रहने देते हैं। और यहाँ पर ए ए से बिलोंग करा है, बी सी से बिलोंग करा है, तो ए कॉमा बी को अगर हम लिखेंगे तो ये किससे बिलोंग करेगा, तो ये बिलोंग करेगा ए क्रॉस सी से। अब यहाँ पर हम देखें कि ए कॉमा बी बिलोंग करा है ए क्रॉस बी से और ए कॉमा बी बिलोंग करा है ए क्रॉस सी से, तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए कॉमा बी हो जाएगा दोनों में क्या हो गया कॉमन हो गया, मतलब कि ए और ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन अगर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के साथ करेंगे तो उसे बिलोंग करेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी एंड है, तो हो जाएगा क्या इंटरसेक्शन, और यहाँ पर आ जाएगा ए क्रॉस सी, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि ए कॉमा बी इसका भी एलिमेंट है ए कॉमा बी इसका भी एलिमेंट है, मतलब दोनों में क्या है कॉमन एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लिख दिए ए कॉमा बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यहाँ से हम क्या प्रूफ कर दिए कि ए कॉमा बी जो था एलिमेंट था ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, और यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए कि यही एलिमेंट हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का एलिमेंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा ये सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये हो गया, इसको हम रिजल्ट वन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब जो है हम आर एच एस को दिखाएंगे कि वो एल एच एस का क्या है सबसेट है, और फिर हम लिख देंगे रिजल्ट वन एंड टू से इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम माने थे ए और बी, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, तो क्या लिख देते हैं लेट एक्स कॉमा वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, देन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इतना हो गया। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई जो हो गया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का एलिमेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा एंड, इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा एंड एक्स कॉमा वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ठीक है। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं ये ठीक उसी तरह से है जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स है बिलोंग्स टू लिखा हुआ है ए और लिखा हुआ है इंटरसेक्शन और यहाँ पर लिखा हुआ है बी, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, तो उसी तरह से यहाँ पर इसको हम एक्स माने तो ये एक बार इससे बिलोंग करेगा एंड एक बार इससे बिलोंग करेगा, तो वही बात यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी हो गया, मतलब कि x ए का एलिमेंट होगा तो x बिलोंग्स टू ए होगा और y जो होगा किसका एलिमेंट होगा b का, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया एंड, और यहाँ पर भी ठीक उस तरह से क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c, और यहाँ पर दोनों में हम समानता क्या देखते हैं कि देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a एंड दोनों जगह है तो कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू a एंड कॉमन जब हो गया तो यहाँ पर क्या बच गया y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पर क्या बच गया एंड, और यहाँ पर बच गया y बिलोंग्स टू c। इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हो गया आपका x बिलोंग्स टू a एंड को कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बच गया y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y जो है b से बिलोंग कर रहा है और y जो c से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब कि y b से बिलोंग कर रहा है y c से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि b और c के इंटरसेक्शन से ही बिलोंग करेगा, तो यहाँ पर हो गया b इंटरसेक्शन c। अब यहाँ से हम क्या देखें कि x जो हो गया a से बिलोंग कर रहा है और y जो हो गया b इंटरसेक्शन c से बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम x कॉमा वाई को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो x कॉमा वाई जो हो जाएगा वो बिलोंग करेगा a और
बी इंटरसेक्शन के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर लिया कि एक्स कॉमा वाई जो हो गया है वो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का, मतलब बिलोंग कर रहा है मतलब कि ये इसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। यहाँ पर हम शुरू किए थे कि एक्स कॉमा वाई जो हो गया एलिमेंट था किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का, और यहाँ पर हम प्रूफ कर दिए कि एक्स कॉमा वाई जो हो गया वो एलिमेंट हो गया किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी जो हो गया ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो लिख सकते हैं क्या, तो लिखेंगे यहाँ पर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन सी। इसको हम रिजल्ट दो मान लेते हैं, और रिजल्ट फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, सो लिख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। तो फ्रॉम रिजल्ट वन एंड टू लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यहाँ से ही हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद का जो चार थ्योरम बच गया उसको हम कल की क्लास में क्या करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।